नमस्कार, मैं सुमित शाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। एक के बाद एक जगहों से आपको लोकसभा चुनाव का जो हालचाल है वो पहुंचा रहे हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं चरखी दादरी के ढाणी फोगाट रोड पर और यहाँ पर कुछ हमें लोग यहाँ पर खड़े दिख गए थे। कुछ लोगों को हम रास्ते में भी रोकेंगे कि जो आने जाने वाले होंगे उनको भी रोकने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हालात चल रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनको परेशानियाँ आ रही हैं या क्या उनको पिछली सरकारों ने बेहतर चीज़ दे दी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, महिला भी हैं हमारे साथ, तो यहाँ इन्हीं से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। पिछली 10 साल से भाजपा की सरकार है, कुछ काम करा इनने? क्या काम करा जी? कुछ काम नहीं करा। बाल कांडा है न्यू है, ठीक है, बड़ी मेहनत करी है, कोई फायदा नहीं, पानी नहीं, ठीक है। और रसोई का क्या हाल है आपकी? रसोई में तो दिक्कत है, दिक्कत से सिलेंडर 500 भरया करता, वो 1100 का कर रखा है। अच्छा, ठीक है, तो क्या कराई मैं? तो वो तुम पहले वाले तो देखो महंगाई तो बढ़नी थी, तो महंगाई तो इतनी हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो कितनी को है जनानी की जाम है, क्या करेंगे? कोई किसी का नौकरी पैसा नहीं तो वह क्या करे? तो घर में बालक बूढ़क कोई नौकरी पे लागे नहीं, कोई नहीं लाग रहा। सरकार तो न्यू कहे है कि भाई हमने बहुत सारे रोजगार दे दिए हैं, कांग्रेस सरकार से भी ज्यादा रोजगार दे दिए हैं। ना खड़ा नौकरी लाग रहा, ये अंडा बालक भी एक तो मरी गए आ रहा था तो जी, और के कर बालक है कि जाओ के खाओ है ठीक के खाओ। तो अब चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री को चुनने वाले हो आप लोग, सांसद चुनोगे उसमें से ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्या मूड लग रहा है, किसको देख करके क्या चीज़ें देखोगे, अब क्या इन लोगों से आप डिमांड रख रहे हो ताकि आप इन लोगों को वोट दे पाओ? देखो वोट तो ले वो एक देनी है, इतना घेर लियो, हमारी तो ये डिमांड से भाई ठीक काम करो, ठीक से बस अपनी तैयारी से बालक लगाओ, मारी भी अच्छा पूरी हुआ है। तो कौन सी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो वायदे करे हैं, वो है कौन सी पार्टी वायदा करेगा हम लगा देंगे? नहीं वो देख इस चीज का तो जी मैं तो कोई मतलब अनपढ़ लगा इस मंत्र नहीं बेरा, तो घर में बातचीत होगी उस तो बाद में वोट का फाइनल करोगे। देखो ये वोटा की तो देख मैं या कुछ कह नहीं सकती जी। चलिए कोई बात नहीं है, हमारे बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ में जी। राम राम जी। राम राम जी, आपका धन्यवाद। आप क्या कुछ चल रहा है अभी? देखो जी, बात ऐसी है कि जो भी सरकार कोई हो, किसी पार्टी की हो, सरकार बनाई जाती है, सरकार जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है कि जनता के हित में कार्य करे जी। और इसमें तो ये है कि भाई लोगों को बड़ा चाव था 2014 में कि भाई मोदी को लाएंगे, मोदी भाई बेरोजगारी ख़त्म कर देगा, जादू की छड़ी घुमा देगा, लोगों को रोजगार देगा। लेकिन हिंदूवादी सरकार के नाम पे जो ये सरकार बनी थी तो हिंदुओं के लिए कुछ हुआ गया नहीं जी? देखो ये तो है, मतलब मैं तो इसको ये कहूँगा, सबके अपने अपने विचार हैं, मैं इसको कहूँगा नौटंकी। अच्छा। ऐसी नौटंकी नहीं करनी चाहिए, धर्म के आधार पर कोई काम नहीं करना चाहिए, न धर्म के आधार पर न राजनीति करनी चाहिए, न धर्म के आधार पर कोई वोट मांगनी चाहिए, हम इसके खिलाफ है जी। वो अभी एक चीज़ और भी चल रही है, जैसे चुनाव चल रहे हैं तो कह रहे हैं कि जाट एक तरफ हो गए हैं, बाकी सारे जो कौम वाले हैं वो सारे एक तरफ हो गए हैं, कुछ ऐसा? देखो जी, 36 बरादरी से समाज बनाया है, 36 बरादरी का ही सबको, मतलब हमेशा आज तक 36 बरादरी ने वोट डाल के सबको बनाया है। ईब 10 साल से ऐसे हालात समाज को तोड़ के रख दिया, आपसी भाईचारा ख़त्म कर दिया। मैं तो स्पष्ट कहूँ ये सब बीजेपी की देन है, हम भी मान लो समर्थक थे भाई 2000, पहले भाईचारा ठीक था, पहले भाईचारा बढ़िया जी, 36 बरादरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज 36 बरादरी में जहर घोड़ दिया है, सिर्फ क्या है, जाट नॉन जाट, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भारत। देखो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जी। सरकार ने बेरोजगारी दूर करनी चाहिए, सबसे बड़ा फिर दूसरा है महंगाई, ठीक है, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी। आप आज देख लो, किसान वर्ग दुखी है, व्यापारी वर्ग दुखी है, युवा वर्ग दुखी है, बच्चों को नौकरी नहीं, क्राइम बढ़ गया जी।
और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, बड़ी मतलब खुले दिल से, कि जब मोदी जी इतने साफ और फ्रेंक हैं, तो मैं मान लो एक उदाहरण दूँ, भाई कांग्रेस पार्टी में किसी ने 100 करोड़ का घोटाला किया है, तो मैं मांग करूँगा आपके माध्यम से कि उस 100 करोड़ तो देश हित में जमा हूँ और उसको जेल जाना चाहिए, न कि पार्टी में मिलाए जी। पार्टी में नहीं मिलाना चाहिए। हम कह रहे हैं वो साफ सुथरे लोग हैं अब तो। नहीं वो तो आप समझे नहीं, वो उनके लिए तो वोट भी मांगे जा रहे हैं। वो तो एक फिर वॉशिंग मशीन ले रहे हैं कि उसमें पहले वो निर्मा पाउडर होया करता, एक लड़की विज्ञापन दिया करती कि भाई निर्मा पाउडर बहुत अच्छा है, दूध सी सफेदी। हाँ दूध सी सफेदी, तो मोदी के पास वो निर्मा पाउडर होगा, उससे पेट नहीं भरता। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बच्चों को नौकरी देनी पड़ेगी, और इस मुद्दा पर एक भी कोई भी बीजेपी वाला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रदेश इसके नड्डा अध्यक्ष हैं, एक शब्द भी आप बता दो मुद्दों पर बात होती हो तो कोई मुद्दा पर बात नहीं होती। अच्छा सारी वाही हाथ। तो अब क्या करने वाले हैं? चुनाव तो आ गया बिल्कुल, 25 को ही यहाँ पर वोटिंग होनी है। देखो जी बात ऐसी है, बढ़िया काम करने के लिए बढ़िया पार्टी को चुनना चाहिए। मैं तो पक्ष में हूँ भाई, इब का परिवर्तन है, कांग्रेस को मिल के वोट देंगे जी। तो कांग्रेस कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो अगली योजना हम उसको बदल देंगे जी। 5 साल में योजना बदली होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो 5 साल में योजना बदली होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एक बार ऑटो रिक्शा चालक भी हमें देख करके रुक गए हैं। भाई साहब हमें देख के रुक गए क्या? हाँ आपको देख के रुक गया भाई। क्या बात, मतलब परेशानी है क्या कोई ना के हमें बताना चाह रहे हो? ना के परेशानी है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक सर। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई चुनाव का माहौल क्या चल रहा है, वोट डालने वाले हो? हाँ बिल्कुल डालेंगे। तो क्या माहौल है? माहौल तो कांग्रेस का है यहाँ। कांग्रेस क्यों जी? और के 10 साल से मोदी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया कर रही है, बाकी बदलाव थोड़ा चाहिए। बस वैसे ही बदल दो। हाँ वैसे ही बदल दो। अच्छा हाँ बदलाव, मतलब कोई कारण नहीं है, बदलाव जरूरी है जी। अच्छा हाँ। तो आपका काम धंधा बढ़िया चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या को नहीं जी, कोई समस्या नहीं है भाई को। बाकी भाई रुके, धन्यवाद जी आपके लिए। और मैं एक चीज़ और कहूँगा यहाँ पे ना, देखिए एक बार दिखा दो भाई, सारे युवा हैं और युवाओं से हम बात करेंगे, ठीक है? और क्योंकि युवा जो है सबसे ज़्यादा परेशान है इस सरकार में, क्योंकि रोज़गार नहीं मिल पाया। कोई निकला है रोज़गार तो वो रोज़गार जो है उसका जो पेपर है या तो वो लीक हो गया या फिर उसके ऊपर कहीं स्टे आ गया, मतलब रुका ही पड़ा है। कुछ एक लोगों को लगाया ज़रूर है, लेकिन अब वो कैसे लगाया है वो भी हम ज़रा देखेंगे कि क्या है। यहाँ पर कुछ लोग और खड़े हैं, यहाँ उनसे बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। और चुनाव का क्या हाल है? चुनाव कांग्रेस की लहर लग रही है भाई। कांग्रेस की लहर क्यों है? ये 10 साल से इतने बढ़िया काम तो कर रहे हैं। तो बढ़िया कर रहे हैं कांग्रेस का भी देखेगा ने। अच्छा। वो 10 साल वही रूस से मान गया हूँ कि हमको वही करके दिखाऊंगा। अच्छा तो के कुछ पिछले 10 साल में आपने लगा कि ये काम बढ़िया हो गए हैं? कुछ एक बढ़िया करा तो कुछ एक तो सरकार साल लगी हमने कराएगी। अच्छा तो क्या कुछ मतलब आप कह रहे हो कुछ एक बढ़िया कर दिया तो कुछ एक गड़बड़ भी होगा? गड़बड़ सरकारी नौकरी ना मिलेगी, 4 साल खातर कर दी, किसी का कम कर दिया, वो बांध दिया, बांध के बैठा दिया, ना तो वो नौकरी कर सकता ना वो घर रह सकता। तो इस तरह की समस्या करिए है खड़ी उन्हें। ठीक है तो इनको बदलोगे? आप बदलने की इच्छा तो है भाई, जनता की। किसने तो दोगे वोट? भाई कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस यहाँ रावदान सिंह खड़े हैं, लगते हैं वो आप लोगों की बातें सुनेंगे। सुने ना अगली बार उन्हें बदल देंगे। अच्छा उन्हें बनाओगे? बनाने की इच्छा है जी, बनाने की इच्छा है, ये अच्छी बात है। और भी यहाँ पर अब एक एक से बात करेंगे भाई, रोजगार मिल गया कि? नमस्कार सोमेश भाई, आपका VTS लाइव चैनल जो चरखी दादरी की आवाज़ आज चरखी दादरी के युवाओं तक भी पहुँचा रहा है जी, धन्यवाद जी। और आप यहाँ आए और हमारी आवाज़ को पहुँचाओगे, यह भी बिल्कुल कोशिश है हमारी। अब आप ये बताएं हमें कि रोज़गार मिला या नहीं मिला इन युवाओं के साथ आप खड़े हैं? ऐसा है सर, जैसे कि मैंने भी पढ़ाई की है और एग्ज़ाम भी दिए हैं, लेकिन मान के चलो कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन रोज़गार की बात करें तो कहीं पर
सिफारिश देखने को मिलती है आज भी, और कहीं पर पैसे भी चल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची सब बंद कर दी, सब कुछ चल रहा है। अच्छा। नीचे नीचे, लेकिन उस सरकार जो ये कहते हैं कि वो निकम्मी है, लेकिन ये सरकार सबसे निकम्मी मिली है। अच्छा। कि बेरोजगारी का देखो, कहीं भी किसी रोड पर भी रोकोगे, किसी बच्चे को कॉलेज से निकल रहा है या स्कूल से निकल रहा है, बेरोजगार ही मिलेगा, कोई नौकरी पर नहीं। चलो स्कूल कॉलेज से अभी निकल रहा तो पढ़ ही रहा है, लेकिन जो लोग स्कूल कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं उनको कुछ तो रोजगार दिया होगा। ये बड़े डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई हमने रोजगार दे दिया है, कांग्रेस की सरकार से ज्यादा दे दिया है। हमने जितने भी फार्म अप्लाई किए हैं अभी तक कोई भी रिस्पांस मेरे को तो मिला नहीं है। और मार्केट में अगर जाते हैं तो सड़कें आज चरखी दादरी की आप देख भी चुके हैं, और देख भी लेना और जनता को भी दिखा देना, पता भी है कि इस सरकार ने चरखी दादरी के बाजार का बेहाल कर रखा है, कि पाड़ तोड़ के खराब कर रखी है। जब बारिश आ जाए तो पानी ये मान के चलो कि गोड्डे से ऊपर मिलता है। अच्छा। और काफी काफी दिनों तक दुकानें बंद रहती हैं, और गलियों में चले जाएं तो काफी साल से गलियां भी नहीं बनी हैं, और बिल की कहें तो इतनी भारी मात्रा में जो बिजली का बिल आता है कि कूलर चलाने के लिए भी सोचना पड़ता है। अच्छा। और गर्मी तो बहुत ज्यादा हो गई है। पानी तो ये मान के चलो कि 11 दिन से, आज गांधीनगर से हूँ मैं, गांधीनगर के अंदर 11-12 दिन से पानी ही नहीं आ रहा पीने का। तो अब ये मान के चलो कि जब खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं होगी किसी नौजवान के पास, तो नौकरी की तो उम्मीद इस सरकार से कर ही नहीं। उन्होंने जैसे कहा था बीच में कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, वैसा कुछ काम? अब मैं मान लीजिए रेहड़ी लगा के कहीं खड़ा हूँ, और रोजगार तो होगा ना वो भी। हाँ, तो ये खड़े नहीं होने देते वहाँ पर भी। अच्छा। कहते कि ये जगह है ही नहीं रेडी लगाने की, तो जहाँ पे वो जगह डिसाइड कर रखी वहाँ लगा लो, वहाँ लगाते हैं, वहाँ से भी उठा रहे हैं। अच्छा। कहते कि आम पार्क बनाएंगे, बताओ अब क्या करें। मतलब रोजगार तो चाहे कैसे भी, चाहे खुद का ढूंढ लो, चाहे सरकारी मांग लो, कुछ नहीं है। लाइन में लगा रखा कि आज ये बनवा लो, आज ये बनवा लो, आज ये बनवा लो, बस घूमे जाओ, कि कभी किसी दफ्तर के चक्कर, कभी किसी दफ्तर के चक्कर, लेकिन काम नहीं हो रहा ना रोजगार को मिलने की उम्मीद जग रही है। तो इसी बार वोट डाला था? हाँ बिल्कुल डाला था, लेकिन किनको डाला था? हमने धर्मवीर सिंह जी को दिया था, लेकिन मतलब भाजपा के कैंडिडेट। लेकिन अब मैं धर्मवीर जी की कोठी पे गया तो वहाँ पर देखने को मिला, जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि सर नहीं है, तो उनके जो और जगह बताई वहाँ पर गए, उन्होंने बोला चंडीगढ़ है, कहीं कहीं है, लेकिन मैंने आज तक, जब वो इलेक्शन होने को 5 साल हो चुके, आज तक मैंने धर्मवीर सिंह जी को चरखी दादरी में देखा ही नहीं है। आते तो रहते हैं, कभी मिले ही नहीं, कभी सुनने को। उनके साथ में जितने लोग हैं, अगर उनसे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए या उनसे कुछ सुख सुविधा की बात कर ली जाए तो जाने ही नहीं देते वहाँ तक। तो ऐसे नेता को हम चुन करके क्या करें। तो अब की बार क्या मूड है? अब की बार रावदान सिंह जी हैं, जो कि चरखी दादरी की, हमें लगता है कि वो आवाज़ उठाएंगे और सुधार करेंगे, पक्का उठा लेंगे। देखो उम्मीद है, और जब तक जितना हम उनसे मिले हैं तो ये लग रहा कि यही कर सकता है चरखी दादरी का। तो कुछ वायदे किए हैं उन्होंने आप लोगों से कि क्या कुछ करने वाले हैं? देखो वायदे तो भाजपा सरकार करती है, हम वायदों पे तो ये मान के चलो कि विश्वास। भाजपा सरकार ने तो मोदी की गारंटी दे रखी है, तो आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे? अब मोदी तो ये कल ना मान लो यहाँ पे भी आएंगे भिवानी, वो और भी वादे करेंगे, लेकिन वादों पे खरे तो नहीं उतर रहे। तो कांग्रेस इज बेस्ट विकल्प। चलो विकल्प ढूंढ लिया है भाई ने। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। किस तरह दे रहे हो वोट? वोट रावदान सिंह को। ईसा के बता रखे? नहीं नहीं, ऐसे पट्टी तो नहीं पड़ा रखी है? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा। इंडिपेंडेंट है अभी तक तो, लेकिन आप जागरूक होने लग गए हैं धीरे धीरे। पिछले 10 साल से वोट गेर की देख ली, धर्मवीर जी तो बहुत ही, नेचर भी खराब है, वैसे व्यवहार भी खराब है, ना आना जाना, ना कोई काम करना, फिर ऐसे नेता हम चुनकर क्या करेंगे ये बताइए सर। तो भाजपा क्यों नहीं? भाजपा से बताओ उम्मीद ही क्या करें, क्योंकि देखो धर्मवीर जी ने भी वोट मांगी थी मोदी जी के नाम पे, ठीक है, आप लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, वो बन गए प्रधानमंत्री, तो क्या कुछ काम नहीं किए क्या उन्होंने? क्या सेंट्रल लेवल में काम होते होंगे? यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। तो सेंट्रल लेवल की बता रहे हैं, जैसे जैसे कह रहे हैं कि रोडों का विकास कर दिया। क्या कहाँ है दिखा दो आप? 1% ग्रीन कॉरिडोर, 152 तो पूंजीपतियों का रोड है सर। अच्छा। गरीब लोग वहाँ कहाँ जाएंगे, मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं, आप बताओ 152 पर हम कैसे चढ़ेंगे? उसका तो टूल भी इतना महंगा है, और फिर इतने व्हीकल हमारे पास होंगे तो हम मंत्री बन जाएंगे, हमें क्या लोकल लेने की जरूरत है फिर? जी, तो और भी कह रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे विकास कर दिए, लोगों को रोजगार दे दिया है, विश्व में डंका बज गया है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को खड़ा कर दिया है। अच्छा सर, फिर वो आंकड़े मिला दो सर,
कहाँ है वो, यहाँ विकास के आंकड़े एक भी धरातल पर हो तो आप दिखा दो हमें। कुछ नहीं है, बताओ सर आपकी नजर में कुछ नहीं आ रहा है। ये फिर झूठे बातें हैं। राम मंदिर से अगर ये बोलते राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से अगर किसी का पेट भरता हो तो जगह जगह राम मंदिर बना दो। नहीं, राम मंदिर के बाहर भी तो बड़ी सारी दुकानें बनेंगी, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, होटल खुलेंगे, उनसे भी तो काम मिलेगा। वो बात होगी सर, सोने की थाली हो उसके अंदर गोबर रख दिया जाए, कौन खाएगा बताओ सर। अच्छा, थाली आप उनके काम से संतुष्ट नहीं हो? थाली तो चाहे स्टील की हो लेकिन खाने के लिए कुछ तो हो, गोबर से कोई पेट भरता हो तो सर भर लेंगे लोग। चलिए, इनकी तो सोच ही ऐसी है, धर्म के प्रति लोगों को सांप्रदायिक हिंसा में बदलना है, व्यवहार ही ऐसा कर दिया इन्होंने। हम सोच रहे थे भाई है नई पार्टी आई है कुछ ना कुछ देश के लिए करेगी, पर नथिंग डू इट, जीरो, बिल्कुल जीरो निकले हैं बिल्कुल। तो अब क्या रिजल्ट क्या निकलते हैं नजर आ रहे हैं आपको? रिजल्ट तो हमें तो लग रहा है सर रावदान सिंह पार है। अच्छा, बिल्कुल। सेंटर में किसकी सरकार बनेगी? सेंटर में तो कांग्रेस की आएगी सर, लोग इनको भगाने लग गए हैं अब, ये हमें दिख रहा है। तो लोग भगाने लग गए हैं और देखिए कुछ महिलाएं जा रही हैं, जरा महिलाओं से जरा बात करने की कोशिश करते हैं, अगर रुकते हैं तो। एक मिनट बात कर सकते हैं जी, एक मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोड के उसी साइड आ जाएं, और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से आप इस साइड में आ जाएं ताकि हम अच्छे से बात कर पाएं। जी चुनाव चल रहा है जी, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? कांग्रेस। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने हमारे तो सब कुछ किया पिछले साल। अच्छा। मोदी ने कुछ नहीं किया, महंगाई महंगाई की। कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया। वो तो बड़े बड़े जो उनका पूरा बड़ा घोषणा पत्र प्रॉपर्टी थी सब कुछ खंगाल के रख दिया, तो कुछ छोड़े हमारे पास बताओ? हाँ बताओ, पैसा है 2000 आपके तो पैसे निकाल लिए थे पहले ही जब नोटबंदी करी तब। वो तो नोट आगे जो रखे हुए थे वो तो हम तो छुपा के रखा है कोई नहीं, पर वह बात है मोदी ने तो सारा बैंक बैलेंस सब कुछ उसका धोरे है। हाँ जी जी, ठीक है जी जी। आपको क्या लगता है जी? अमना तो अब जी ये लगा कांग्रेस को आनी चाहिए। कांग्रेस ही? हाँ। भाजपा क्यों नहीं जी? जी को कुछ मामला सुविधा नहीं मिली इनते जी। हाँ। सुविधा नहीं मिली, यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि सुविधा नहीं मिली। और एक भाई आ रहे हैं, जरा इनसे रोक करके बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकेंगे भाई साहब, एक मिनट रुकिए जरा, हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। चुनाव के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे थे, क्या हालचाल चल रहे हैं चरखी दादरी के? चरखी दादरी के जी देखो अपन तो कुछ बता नहीं सकते हैं अभी। क्या कारण? कारण है उसका। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस में? हाँ जी। ओके चलिए दादू, गवर्नमेंट सर्विस में। आप भी गवर्नमेंट सर्विस में क्या? आप तो बोल सकते हैं। क्या बोले, जो है वो ही है। अच्छा, क्या लग रहा है भाजपा ने कुछ किया पिछले 10 साल में? हाँ करा, बहुत कुछ करा। अच्छा, तो अब भाजपा को देने वाले हैं, कांग्रेस को देने वाले हैं, या 17 लोग यहाँ पे महेंद्रगढ़ भिवानी जो लोकसभा सीट है यहाँ से खड़े हैं, उनमें से किसको देने वाली? भाजपा को देंगे। क्या कारण खास बात? नहीं, उनने अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ काफी अच्छा काम किया है 10 साल में। ठीक है, मतलब महिलाओं के लिए अच्छा किया या कैसे? सभी के लिए अच्छा किया है जी। तो ये महिलाओं के लिए तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको का नारा तो फेल हो गया था इनका, उसके बारे में तो अब क्या कह सकते हैं। चलिए कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए भाजपा के लिए वोट यहाँ पर है, एक वोट भाजपा के लिए आ गया। अभी तक देखिए जितने भी आ रहे थे वो सभी कांग्रेस के लिए। धन्यवाद भाई साहब जी, फिर मिलते हैं। और एक और भाई आ रहा है कि हम भाई को रोकने की कोशिश करते हैं। अरे भाई जल्दीबाजी में, तब तक युवाओं से यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। ज़रा भाई टोपी वोपी लगा के बढ़िया देने, वोट बन गया भाई? हाँ जी। पहली बार डालोगे? सेकंड बार। सेकंड टाइम? हाँ जी। पिछली बार किसको दिया? बीजेपी को। जो उम्मीदें थी कहीं पूरी हुई फिर वो? ना कुछ नहीं हुई जी। कुछ नहीं हुआ? ना कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। मतलब क्या चाहिए था आपको जो आप मान के बैठे थे कि भाजपा सरकार हमारे लिए कर देगी? ये था बेरोजगारी खत्म हो जाए जी, इन्होंने और बढ़ा दी जी। तो रोजगार नहीं मिला अभी तक? नहीं कुछ नहीं मिला जी। क्या कुछ किया हुआ आपने? प्लस टू की हुई जी, आईटीआई की हुई है। आईटीआई किया हुआ है? हाँ जी। तो टेक्निकल हैंड है आप? हाँ जी। फिर भी नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिल रहा जी। खुद का काम करने का कोई ऑप्शन? जिसके पास पैसा है जी वो लग रहा है। अच्छा, खुद का काम करने का ऑप्शन, जैसे ये कह रहे हैं कि अपना उद्योग स्थापित कर लो? नहीं नहीं, उसके लिए पूंजी होनी चाहिए सर। अच्छा, वो भी नहीं है? बेरोजगारी खत्म कर रखी है। अरे बाप रे, तो अब क्या करने वाले हैं सर? कांग्रेस को वोट देंगे जी, ये कर देंगे। हाँ ये करेंगे, दे देंगे रोजगार, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और नहीं किया तो करेंगे फिर 5 साल बाद, फिर देखेंगे 5 साल के बाद। देखिए वोटर के पास यही एक हथियार है कि 5 साल के बाद जब आप दोबारा से वोट करने के लिए जाते हैं तब आप अपना वोट चेंज कर सकते हैं। क्या चल रहा है भाई?
नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए भाजपा सरकार ने अग्निवीर तो योजना लागू तो कर दी सिर्फ 4 साल के लिए, फिर वो 4 साल बाद क्या करेगा? फिर वो अगर कोई चार्ज लग भी जाए अग्निवीर में, पहली बात तो भ्रष्ट भाई पैसे दे के लग रहे हैं, तो लग भी जाए तो 4 साल के बाद वो फिर बेरोजगार। और फिर वो जो फौज की ट्रेनिंग कराया 4 साल में, तो फिर वो पुलिस के क्या काबू में नहीं आएगा, वो फिर डाकी वो डाके और डाका चोरी मारेगा, कुछ तो करेगा भाई, बेरोजगार तो कुछ तो करेगा 4 साल के बाद। तो फिर ये कहीं ना कहीं ये गलत है सर, ये अग्निवीर योजना जो ये लागू की है गलत है। वो खुद तो 75 साल के उम्र के होने के बावजूद भी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, और देश के युवाओं के लिए 4 साल की बस सर्विस, ये कोई अच्छी बात है? आपने नाम सुना होगा पहले, शॉर्ट सर्विस कमीशन? नहीं मैंने तो नहीं सुना सर। 5 साल की नौकरी होती थी पहले। अच्छा। अगर बंदा चाहे तो 5 साल के बाद छोड़ के आ सकता था या फिर कंटिन्यू कर सकता था, उसी तर्ज पे कहीं ये भी तो नहीं चालू कर दिया? इसमें से भी तो कुछ लोगों को परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट उन्होंने परमानेंट की बात नहीं की, जब जनता ने आवाज उठाई, जब उन्होंने 25% का 25% परमानेंट रखने का मुद्दा उठाया और वो लागू कराया। अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है ज्यादा को भी रख लें वो सर, ऐसा ना भाई उनकी योजना विफल होती दिखेगी तो वो ज्यादा को रखेंगे। ठीक है, योजनाएं उनकी मजबूत नहीं है तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। योजना पहला काम ये है कि योजना ही मजबूत नहीं बनाई है, लग तो ऐसा ही रहा सर। ठीक है, तो अब वोट तो बन चुका होगा? हाँ मेरा वोट बन चुका सर। पहली बार वोट करेंगे? हाँ पहली बार। तो पहली बार वोट किस हिसाब से किसको करने वाला है सर? कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बीजेपी का हाल देख चुके हम, तो कुछ हुआ अभी तक है नहीं, तो देखेंगे कांग्रेस को भी। एक और कांग्रेस का वोट आ गया भाई, कुछ हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ जी अभी तक तो। कोई काम धंधा शुरू हुआ? काम धंधा कुछ नहीं शुरू हुआ जी, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहते हैं आजकल के युवा लोग, तो अब गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागेंगे। मैं खुद भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब क्या करने वाले? क्या जी चुनाव तो आ गया ना, अभी चुनाव आ गया, कांग्रेस को वोट देंगे, देखते हैं कि। मेरा मानना तो ये है, देखो राजस्थान के लोग अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वहाँ के लोग हर बार सरकार बदल के देखते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये सरकार काम नहीं कर रही है तो दूसरी सरकार काम करेगी। ठीक, दूसरी सरकार काम करेगी, ये कुछ लग रहा है जी? कौन सी सरकार काम करेगी? देखो जी कांग्रेस सरकार ही काम करेगी। पक्का? पक्का। भाजपा नहीं करेगी? भाजपा नहीं। क्यों नहीं करेगी भाजपा? देखो जी ये है तानाशाह सरकार होगी जी, ठीक है, जिसको जी चाहे उसको अंदर कर दिया, जिसको जी चाहे उसको निकाल दिया, ठीक है। और जी देखो सबसे बड़ी बात यह है जी, 10 साल राज कर लिया इन्होंने, ठीक है, ठीक है, और सरकार बदलती रहनी जरूरी है जी, नहीं तो चमड़ की बैठ जाए जी, सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। अब की बार बदलो? बिल्कुल जी। किसको बनाओगे? कांग्रेस है जी, कांग्रेस नहीं है। किसको बना रहे हो भाई साहब? राव दान सिंह। कोई खास बात उनमें? उनमें खास बात तो आगे आने पे पता चलेगा, लेकिन अब जो है हालात, ना पानी शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था है, 4-4 दिन के अंदर पानी आ रहा है, और ना ही कोई व्यवस्था सही है मेरे भाई। लेकिन एकमात्र सहारा है कि बदलाव करें। हाँ बस बदलने का है। हो सकता है ये अगले 5 साल के लिए जैसे कह रहे हैं कि हमें दे दो ना, 5 साल के लिए इसका 75 साल में तो अगले साल तो इसका टाइम ओवर हो जाएगा, ये इसको बनाएगा। किसको बना देंगे? कोई ना कोई तो बनेगा ही, चलो कोई भी बने, लेकिन मान लो ये छोड़ते भी तो कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ। लेकिन भाजपा की नीतियों से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मतलब सिर्फ लॉलीपॉप। मिठी गोली दे। तो यहाँ पर मिठी गोली जी, हम तो ही बाय हैं दोनों। एक तो यह गली देख मरी, ये तो टोपी ठाण बेकार है, लेकिन कुछ नहीं करे भाई आगे से। और शेर आप पंडित जी कहना लॉलीपॉप दी, हम तो भाई दान सिंह के साथ जी, दान सिंह के साथ हैं जी। और एक एक से हम बात कर चुके हैं, कुछ बच्चे उधर और दिखाई दे रहे हैं हमें, ये दो भाई और नए आए हैं, जरा इन दोनों भाइयों से बात करके देखते हैं। भाई वोट तो बनी होगी ना? हाँ भैया बन रही है। किसको वोट दे रहे हो? महंगाई तो बहुत है जी, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई,
सबसे ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी बड़ी है। हम खुद अग्निवीर बना दिए, भर्ती देखी हमने अच्छा अच्छा साथ साथ नहीं लगे, फिर नहीं लगे। अग्निवीर योजना लागू कर दी, मेरा मेडिकल फिजिकल में फिट था, अग्निवीर योजना चालू कर दी, कुछ दिन के लिए धरना भी दिया, सरकार ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तो फिर वो कैंसिल कर दी थी। हाँ, वो कैंसिल कर दी, वो तो नौकरी तो नहीं मिल पाई, नौकरी नहीं मिल पाई। तो हम क्या करोगे, क्या करेंगे, स्टडी कर रहे हैं, आगे कुछ काम करेंगे खुद का। तो अगली बार बीजेपी सरकार में नौकरियां नहीं है, प्राइवेट काम करो, खुद का करो कुछ करो। तो कौन सी सरकार में नौकरी होगी, कांग्रेस सरकार में नौकरियां हैं। अच्छा, तो अगली बार बदलने वाले। हाँ, वो खुद अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कमेंस महालक्ष्मी योजना चलाई उन्होंने, बहुत योजना चलाई है। अच्छा, बोल रहे हैं युवा कह रहे हैं कि योजनाएं काफी चलाई हैं और उनसे हम बात, उन्हीं को देखते हुए हम इनको वोट करने वाले हैं। जी ताऊजी, क्या कुछ लग रहा है? मन्नत न्यू लागा भाई, पहले तो ये न्यू बोले अकम यू करांगा, यो करांगा, वो करांगा, और काम धंधे कुछ नहीं। अच्छा, सवाए झूठ का पुलिंदा और बाकी सब फेल। झूठी सी कौन कौन सी बोल दी, एक आधी बताओ तो। 15 लाख गैस सिलेंडर सस्ता, महंगाई, बेरोजगारी, और बताओ कितनी गिनवाऊं। एक वो न्यू क्यों था, आतंकवाद खत्म करेंगे, वो कुकर तो किस खत्म होया नहीं भाई, बीबी न्यू का न्यू है। अच्छा, आजकल वो आते तो नहीं, वो खबरें तो नहीं आती। नहीं, मोदी खत्म है, अब की बार मोदी खत्म है, अब की बार मोदी खत्म है, अब की बार सरकार नहीं आएगी, सरकार नहीं आएगी जी, सरकार नहीं आएगी। देखो सभी का यही कहना है, हमने लगभग से सभी लोगों से बात की है और पीछे और भी है, ये जरा थोड़ा सा चाहूंगा मेरे सहयोगी से आगे आ जाएं। पहले बात होली अपनी तो मार्केट में, कहाँ? अच्छा, होली तो लग क्या रहा है, ये सभी कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस, आप भाजपा को दे रहे हो क्या वोट? नहीं, हम अपने लोगों से अलग थोड़ी चलेंगे। आप भी कांग्रेस को? जी, एक और वोट कांग्रेस को। और यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने कि कितना एक ही तरफ से आ रहा है कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। जी, दीप का जो है भिवानी हिसार रोहतक आर भाई, ये तीन तो है कांग्रेस की, अम्बाड़ा और सिरसा और हमने दे रखो ने 4 सीट। अंकल जी से और पूछते हैं, जी कितनी सीट, 10 में से कितनी दे दोगे हरियाणा में? सुनो मेरी बात, कुरुक्षेत्र की, शैलजा की, दीपेंद्र की, राव दान सिंह की, समझे, राज बब्बर की, इंद्रजीत भी फैल हो रहे हैं वहाँ, बिल्कुल वो चाहे कुछ बन रहे हो राजा, लेकिन वो राजा नहीं है, वो राजा फेल हो चुका है राव। की बार राजाओं को घसीट के नीचे उतारना। हाँ, ये तो अपन है दान सिंह को राजा बनाना है, बस। तो नया राजा बनने वाला है जी, और कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है, कुछ लोग हमें मिले जो भाजपा के लिए भी वोट करने की बात कह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर कहना है कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे। हालांकि क्या कुछ होगा, वो 25 तारीख को मतपेटियों में बंद हो जाएगा, ईवीएम में बंद हो जाएगा, और उसके बाद 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कौन बन रहा है, कौन हार रहा है। तो इस दौरान में हम आपको यही कहेंगे, वोट डालने ज़रूर जाइएगा, घरों से निकलिएगा, और अपने किसी न किसी जो चहेते, जो आपका काम करा सके, जो आपके क्षेत्र का विकास करा सके, ऐसे व्यक्ति को आप वोट दीजिएगा, साफ़ सुथरे आदमी को वोट दीजिएगा, ताकि एक बेहतर व्यवस्था बन सके, एक बेहतर सरकार बन सके। तो लगातार आप तक जो सूचनाएँ हैं हम आगे भी पहुँचाते रहेंगे, कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।